चलिए दोस्तों, तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा। और आज की कक्षा स्टार्ट करने से पहले तैयार हो ना, मतलब अच्छा खासा पेपर बनाया मैंने। आसान पेपर नहीं है, अच्छे लेवल का पेपर है। और सब के सब पेपर दीजिएगा दोस्तों, टेस्ट सब के सब देना। टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आप लोग कहाँ पर स्टैंड करते हैं, और वहीं से आप देख पाएंगे कि आपको कहां तक पहुंचना है, कहां तक आपको जाना है। तो टेस्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? रिवीजन करना, टेस्ट करना, बाकी क्लास क्लास तो सब होती रहेगी, लेकिन रिवीजन एंड टेस्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? तो प्लीज दोस्तों, एवरीबॉडी, फाइनलाइज ये हुआ है कि फ्राइडे को अकाउंट्स का टेस्ट है 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। अभी तक मैंने पेपर सेट नहीं करा तो मुझे नहीं पता कि 8 से 9 होगा या 9:15 होगा, लेकिन 8 से 9 का पेपर है। और सैटरडे को जो है वो हमारे इको का पेपर है। ऑब्वियसली बात है, सेम टाइम 8 से 9, मोस्ट ऑफ द बच्चे इको भी करते हैं तो इसलिए पता होना चाहिए उनको। मैं अगर अपनी बात करूं तो एमसीक्यूज आएंगे 20, और 20 मार्क्स का जो है वो सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, और कुल मिला के 40 नंबर का पेपर है। इसके लिए 20 मिनट लगाना मैक्सिमम, इसके लिए जो है 45 मिनट मैक्सिमम, टोटल जो है वो 1 आवर का आपका पेपर है दोस्तों, ठीक है? अच्छे से सारे के सारे बच्चे दीजिएगा, और यही ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जो आपके मार्क्स को इम्प्रूव करेगा। वी आर इन मिड जुलाई राइट नाउ एंड इट इज हाई टाइम, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा डेफर करेंगे, डिले करेंगे, तो दोस्तों फिर पाइल अप होता जाएगा बहुत कुछ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब मैं अपने कोर्स को थोड़ा सा तेज लेके चलूंगा, ठीक है? और तेज का मतलब है कि आपको मैं बता दूं कि बेसिक आज ये वाला पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है? जैसे आप बच्चे कहेंगे सर गुडविल तो हमारे स्कूल में एक दिन में खत्म कर देता, आपने तो फिर भी 2 क्लास लगाए हैं। हाँ, वो एक अलग चीज है, मैं अच्छा इंसान हूँ, बट स्टिल नाउ आई स्टार्ट रनिंग दोस्तों। तो प्लीज यू नीड टू रन अलॉन्ग विद मी, यू नीड टू जॉग अलॉन्ग विद मी। आई बिलीव आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। आज 1, 2, 3 बालक नहीं, क्या यार बच्चे भी ना यार, सीरियस ही नहीं है। चलिए मैं ये क्यों खोल रहा हूँ। हाँ जी, सबसे पहली बात वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करते हैं। आज ये वाला चैप्टर मुझे खत्म करना है दोस्तों, एंड आई नीड योर सपोर्ट टू फिनिश ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? ध्यान से समझते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस, और सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस। बिल्कुल सच बोलेंगे दोस्तों आप लोग, वैसे आप लोग मेरे से क्यों झूठ बोलोगे। आपको मैंने जो होमवर्क दिया था, सारे बच्चों ने, कितने बच्चों ने कर लिया एक बार मी लिखना, मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन दिए थे, कितने बच्चों ने होमवर्क कर लिया एक बार मी लिख देना। बहुत बढ़िया। अरे अनुष्का नहीं किया आपने? है भाई, कशिश ने भी नहीं किया, उसके अलावा भूमि, राशि, कर लो यार, अच्छी बात है, करोगे ग्रो करोगे दोस्तों। ओहो, घूम रही है मतलब राशि, नाइस राशि, चलिए ठीक है। यस सर, किया है आफ्टर रेन, बहुत ज्यादा नेटवर्क। अबे वो अनुष्का, बारिश के कारण नेटवर्क इशू और होमवर्क करने में क्या कनेक्शन है बेटा? वो तो आपके बुक है, बुक आपको इंटरनेट से जुड़े थोड़ी ना हुए हो। अच्छा, फोन से हो, ठीक है बेटा। अच्छा, ओके, हाँ ठीक है, मुझे लगा है। ओके, कूल है बेटा, कूल है, ठीक है। अगर नेटवर्क इशू वगैरह है किसी को, अगर आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज होती है पढ़ाई करना, ठीक है? एंड आई टोटली ट्रस्ट यू, अगर आप लोग इस टाइम तक सीरियसली कमिटेड तरीके से आ रहे हैं, यू गाइज आर सीरियस। नवीन, यू आर नॉट बेटर, इतनी लेट आता है भाई। ओके यार, फोकस, लेट्स फोकस अगेन। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिया था। मोटा मोटा बेसिक्स सारा का सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, ठीक है? आज मेरे पास इस चैप्टर की पीडीएफ भी है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 वगैरह सब आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई बात नहीं नवीन, क्वेश्चन नंबर 3 में बस मुझे एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 में बस मुझे एवरेज प्रॉफिट बता दो कितना आ रहा है। कोई अभी अभी बोलेगा नहीं, बस कैलकुलेट कर लो, अगर आपने किया है कूल, नहीं किया कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट, एवरीबॉडी प्लीज, अगर आपने कर लिया है ठीक है, नहीं किया है कोई बात नहीं, डन, जिसका हो गया एक बार डन लिख दीजिएगा दोस्तों।
एवरीबॉडी दिस इज द क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल चिल मार के करिएगा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको करवाया था। अभी बोलना नहीं है बेटा, एक बार रिया भरद्वाज अभी बोलो मत, एक बार डन लिख दो, जिसका होता जाए डन लिखते जाओ, 15 डन जैसे हो जाएंगे आई विल टेल यू द आंसर। नाइस, ठीक है, जल्दी करो दोस्तों, जल्दी करो, मैं भी कैलकुलेट कर लूं। ठीक है, एक बार एक बार एक बार जल्दी 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 डन करो, खत्म करो जल्दी से। ठीक है, जिसने डन लिख दिया कूल है, मैं बस कैलकुलेट ही कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिलीव दोस्तों आप लोगों ने कर लिया। दो आंसर रखूंगा दोस्तों आपके सामने, दो क्या, एक ही तो आंसर है, आसान सा है, 72,000। कितनों का आंसर इसके अलावा कुछ और आ रहा है, एक बार नी लिख दो, कितनों का आंसर 72,000 के अलावा कुछ और आ रहा है, एक बार नी लिख दीजिए, 72 के अलावा कुछ और आ रहा है। रिया खन्ना, राशि एंड कृतिका, 72 के अलावा कुछ और आ रहा है, दिस इज माय पॉइंट। नैन्सी, ओके, 72 के अलावा कुछ और आ रहा है दोस्तों, ओके, बाकी सबका 72 ही आ रहा है, मतलब बाकी सबका, एडी अनन्या, अच्छा एडी का भी नहीं आ रहा, ठीक है, अनन्या अनु, मतलब ठीक, जो बच्चे रिप्लाई नहीं कर सकते दैट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन प्रसन्नजीत आपका भी 72 ही आ रहा है जितना मैं देख सकता हूँ, ऋषभ का, यश का, तो तुषार, साक्षम, आप सबका 72 ही आ रहा है, ठीक है, ओके दोस्तों। और अगर आपका आंसर 72 नहीं आ रहा, तो जिस जो पांच छह बच्चे हैं जिन्होंने कहा कुछ और आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, रिया, राशि, कृतिका, नैन्सी, एडी, रिया गलत जवाब, एनीवन एल्स, ऋषभ का भी कुछ और आ रहा है, ठीक है, कृतिका का 80,000 आ रहा है, ठीक है, एनीवन एल्स दोस्तों, किसी का कुछ और आ रहा है, रिया आपका बहुत बहुत गलत है, इसलिए मैंने आपको ऑन द स्पॉट गलत बता दिया, कृतिका का सही है गलत है वो बात की बात है, एनीवन एल्स दोस्तों, आप में से कई बच्चों ने कहा था राशि, नैन्सी, एडी, एडी का भी 80 आ रहा है, अनन्या एंड ऋषभ 228, नहीं राशि, नहीं बच्चे, बहुत बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है, आंसर सही आएगा एंड में, लेकिन मैंने भेजा था आपको, ठीक है, ठीक है दोस्तों, 80,000 इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको बताता हूं कि 72 में क्या गलती है, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, आप प्रॉब्लम क्या होती है, आप लोग ना क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, एवरीबॉडी प्लीज एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज, ये तो आसान है, ऑफ द लास्ट 4 इयर्स, आपको 5 साल का प्रॉफिट कंसिडर करना है कि 4 साल का प्रॉफिट कंसिडर, कैन हैव सम आंसर्स प्लीज, 5 साल या 4 साल, जल्दी बताओ दोस्तों, ऑब्वियसली बात है 4, तो कई बच्चों ने तो ये मूर्खता करी कि 1, 2, 3, 4 और 5, कई बच्चों ने तो 5 साल का प्रॉफिट कंसिडर कर लिया होगा, वो गलत है, अब बात समझ पा रहे हो, बाकी जितने बच्चों ने 80,000 क्रैक कर लिया, परफेक्ट दोस्तों, कृतिका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है बेटा, शाबाश, ठीक है, तो आप लोगों को 5 साल का नहीं, आप लोगों को 4 साल का करना है, तो आप तो पॉइंट ये कि आप कौन से साल को इग्नोर करोगे, 2014 को या 2018 को, कैन आई हैव सम आंसर प्लीज, 2014 को इग्नोर करोगे, 18 को इग्नोर करोगे, कैन आई हैव सम आंसर्स प्लीज, मैं ऑब्वियसली 2014 को इग्नोर करूंगा दोस्त, ठीक है, मैं 14 को इग्नोर करूंगा, अब दैट्स इट, बाकी तो हो ही जाएगा, 70, 30 का नेगेटिव, 80, 1,40,000, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस है, प्लस कर देंगे 90, माइनस कर देंगे 10, माइनस कर देंगे 20, और इससे आप, सर इसका रीजन, अरे मेरे लिए, अरे कॉमन सेंस लगाओ बेटा, आपके लिए आपके चौथी क्लास के मार्क्स इंपॉर्टेंट है या 10वीं क्लास के मार्क्स इंपॉर्टेंट है,
as clean as that. आपके लिए अपना past बहुत बुरा वाला past important है या अभी close वाला? That's it, दोस्त. तो I'll not. और वैसे भी यहाँ पर दे रखा है of last 4 years. ठीक है, और last 4 years का में कौन से 4 साल आते हैं ये आप खुद ब खुद डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों. ठीक है, सो दैट्स इट. तो बस ये चीज आपको समझनी है, ये सब समझ लेना बेटा कि कहीं बच्चे 5 वाला कंसिडर कर लेते हैं, सबको कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, 72 वैसे ही आंसर आया लेकिन 72 गलत है. ठीक है, एंड मतलब थोड़ी सी मतलब केयरलेस मिस्टेक है ये. ठीक है, प्लीज इस चीज को कंसिडर करिएगा. ठीक है, तो ऐसे सब पॉइंट्स हैं जो आप लोग, पता है ये सब पॉइंट्स ऐसे नहीं होते कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है. बच्चे को बोल दो ना कि छोटे बच्चे को कि बेटा प्रेस को टच मत कर, प्रेस को टच मत कर. वो कम्बकत जब तक प्रेस को टच नहीं करके, जब तक उसका हाथ जलता नहीं है ना, तब तक वो समझता नहीं है. दिस थिंग आई एग्री टू, और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स गलती करें, क्योंकि अगर आप गलती करोगे तभी आप समझोगे, तभी आप सीखोगे. गलती के बिना, अगर मैं आपको बता देता ध्यान रखना 4 साल, बच्चों को लगा यार ये तो हर कोई इंसान ध्यान रखेगा कि भैया 4 साल बोला, 4 साल ही कंसिडर करना है. हर बच्चा यही कहेगा, भाई आज 20 बच्चे आए हैं, 20 में से 6 बच्चों ने के आंसर सही है, बाकी सबके गलत है. ठीक है, तो उन्होंने इस छोटे से पार्ट को उन्होंने इग्नोर कर दिया दोस्तों. राशि आपकी गलती क्या है बेटा? आप 228 मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक और सम मतलब बहुत ड्रास्टिकली आपका कैलकुलेशन इतनी ज्यादा बेटा. देख ले यार. ठीक है, 3 है तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है इस क्वेश्चन में? 3, 4 या 5 नंबर ऑफ इयर्स परचेज दोस्तों? 3, 4 या 5 एवरीबॉडी, 3, 4 या 5 नंबर ऑफ इयर्स परचेज. तीन चार या पांच, वेटिंग फॉर एवरीवन्स रिप्लाई दोस्तों. दोस्तों 3 इयर्स पर, अबे एडी क्या हो गया बे तेरे को, 4 कहां से बोल रहा है बे, क्या बोल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ पास्ट 4 इयर्स, तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना हुआ है बे? चलो बाकी सब समझ गए ना भैया, ऐसी ऐसी गलती करोगे तो हो गया काम फिर तुम्हारा. ये गलती अब क्या क्वेश्चन पढ़ना सिखाऊंगा क्या मैं तुम्हें? भैया ऐसा मत करो मेरे साथ यार. एडी कहां गया? एडी की तो पिटाई करता हूँ. एडी वो मामा भी नहीं है ना घर में? अभी आता हूँ घर तेरे में, अभी आता हूँ, रुक जा पिटाई करता हूँ. वैसे वो हो तो उनके सामने कम पीटूंगा, असल में बहुत पीटूंगा तेरे को. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. आई बिलीव यहाँ तक Also, goodwill बता दिया था मैंने instead of average. Okay, अच्छा, you must have multiplied it by 3 then. Wait a minute. Then 228 divided by 3, 76. 76 का मतलब है कि calculation mistake ही है. ठीक है बेटा, ठीक है, okay. आगे बढ़ते हैं जरा. यार इसके अलावा मैं आपको एक और मेथड बताना चाहता हूँ जो वैसे आपके कोर्स में नहीं है लेकिन बुक्स, अरे हो जा सिमसिम ऊपर, वैसे आपके कोर्स में नहीं है लेकिन जनरली आपके बुक में 1-2 क्वेश्चंस हैं. आप लोगों ने लास्ट ईयर वेटेड एवरेज प्रॉफिट पढ़ा होगा मीन के टाइम पर, पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा स्टैटिस्टिक्स में मीन के टाइम पर. अगर पिछले साल पढ़ाई करी है अच्छे से तो वेटेड प्रॉफिट्स का एक मेथड होता है मीन वाला. ठीक है यार, मैं आपको उसका लॉजिक समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा. अगर मैं यहाँ पर 3 साल ले रहा हूँ, 18, 19, 20 और मैंने प्रॉफिट कमाया है 30,000 कितना लूं, 36,000 और 51,000, ये मेरे 3 साल के प्रॉफिट्स हैं. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें इसका एवरेज क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, ये हो गया 7, कितना हो गया ये 6, 11 डिवाइडेड बाय 3, मतलब इसका एवरेज हो गया है 39 एवरेज 39 आ रहा है ना, 40 हो जाएगा, हाँ 39 आ रहा है इसका एवरेज. ठीक है, क्या दोस्तों इस सिचुएशन में, ध्यान से देखना मैथमेटिकल बात बता रहा हूं, क्या इस सिचुएशन में तीनों साल को मैंने सेम वेटेज दी है, हाँ के ना? क्या तीनों सालों को मैंने सेम वेटेज दी है, हाँ के ना दोस्तों? जल्दी बताइए. हाँ, 30, 36, 51 तीनों को प्लस कर दिया, 117 डिवाइड बाय 3 39. लेकिन आप एक बात बताइए, इन तीनों साल में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर कौन सा होगा, 18, 19 या 20?
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे आपके लिए अभी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ईयर कौन सा था आपके लिए, मतलब 10th 11th 12th की अगर मैं ऐसे करके बात करूं तो 2020 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ईयर है। एक मिनट, कोई बच्चा भाग गया बे? कौन भाग गया मेरे भाई? नवीन है, पता नहीं कौन भाग गया, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। 2020 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करते हैं, हम उस ईयर को सबसे ज्यादा वेट दे देते हैं, हम लोग उस ईयर को सबसे ज्यादा वेट दे देते हैं, सबसे ज्यादा वेट दे देते हैं, मतलब हम अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको सामने वेट, तो क्लोजेस्ट ईयर को सबसे ज्यादा वेट और फार्देस्ट ईयर को सबसे कम वेट, तो इसको वेट हम देंगे 1, 2 और 3। तो अब ये जो एवरेज है, एक मिनट, ठीक है, अब ये जो एवरेज है ये बिल्कुल ऐसे ही नहीं कैलकुलेट करना, अब क्या करोगे, आपने वेट दे दिया, अब आप इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे इसको मल्टीप्लाई करके, सबसे पहला है 30, अगला है 36 × 2 = 72 और थर्ड नंबर पे आ गया 51 × 3 = 153। अब आपने इसको प्लस कर दिया, आपके पास आ गया 5, 7, 10, 15, 1 और 1, 2, 2,55,000 और वेट का टोटल कितना है 6, तो इसको अब आप 6 से डिवाइड करोगे और ये आपका है अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो दोस्तों वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब तो कोई बता देगा, कॉन्सेप्ट समझे कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्लोजेस्ट ईयर को ज्यादा से ज्यादा वेट दे रहा हूं और फार्देस्ट ईयर को मैं कम से कम वेट दे रहा हूं। लॉजिक क्लियर है दोस्तों? यस और नो? कशिश गई है, लॉजिक क्लियर है दोस्तों? यस और नो? ठीक है, और क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने ऐड कर दिया, इसको मैंने वेट के टोटल से मैंने डिवाइड कर दिया, इसको मैंने वेट के टोटल से डिवाइड कर दिया, ठीक है दोस्तों, इसको मैंने वेट के टोटल से डिवाइड कर दिया। बस ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है जो जनरल आपके एग्जाम में आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली हो जाता है ये। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, आपको दे रखा है 1999, 2000, 2001, 2003, प्रॉफिट दे रखा 20, 24, 30, 25, 18, आपको कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द 3 इयर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर वेट्स बीइंग 1, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर वाला वेट आप कौन से साल को दोगे? कशिश गायब हुई है, ठीक है, 5 नंबर वाला वेट आप कौन से साल को दोगे, 1999 या 2003? बहुत बढ़िया, 2003 को 5 वेट दोगे, 4, 3, 2, 1, यार कर लोगे वाला क्वेश्चन, सही बताऊं मतलब कर लोगे ना, इतना ट्रस्ट मुझे करना पड़ेगा बच्चों। मैं आप में से कहीं हो के मैं पेरेंट्स से बात करता हूं कभी कभार, ठीक है, रिया कोई पर्सनल अटैक नहीं, मैं इन जनरल में बात कर रहा हूं, ठीक है जी। तो अब सीन क्या होता है ना कि देखो भाई, सिंपल सी बात है, हम सबके घर वाले हमें ढक्कन समझते हैं, मानते नहीं मानते, कितने बच्चे कह रहे हैं यार सही कह रहा है तू, हम सबके घर वाले हमें ढक्कन समझते हैं, मतलब है ना, करेक्ट, सबके घर वालों को लगता है कि यार मेरा बच्चा तो ढक्कन कितना लगता है भाई, बाकी तो तुम लोग तो देखो जेन्युइनली हो भी ढक्कन, ठीक है भाई, मैंने तो जिंदगी में कुछ अचीव भी कर लिया उसके बाद भी मुझे घर वाले ढक्कन समझते हैं, अभी मेरे घर वालों को लगता है कि मैं ढक्कन हूँ, ठीक है। तो अब सीन ये है कि अब ना पता है, दुनिया तो छोड़ो भाड़ में गई, मुझे अपने घर वालों को पहले प्रूव करना होता है कि देख भाई मैं हूँ कुछ, तो इसलिए मैंने ना प्रूव ही करना छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ो मैं ढक्कन हूँ तो मैं ढक्कन ही सही ठीक है, मैंने बताना ही छोड़ दिया उन्हें, ठीक है। तो अब सीन क्या होता है दोस्तों, सीन क्या होता है कि मतलब आई नीड टू ट्रस्ट, हाँ नैंसी, नैंसी ने सर बोला, हाँ नैंसी बोल तो मेरी, हाँ गई नैंसी, कुछ बोलना नैंसी बेटा, तो नॉर्मल प्रॉफिट वाले केस, अच्छा हाँ बोलो बोलो, नॉर्मल प्रॉफिट वाले केस, अगर कोई लंबा क्वेश्चन है बेटा तो आप अपना स्पीकर ऑन करके, मतलब माइक ऑन करके बोल सकती हैं, माइक ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सर वो नॉर्मल प्रॉफिट वाले केस में ये जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है सर, ये वाला पॉइंट समझ नहीं आता, कल मैंने पढ़ा था तो। अरे बहन, तो वो वाला पॉइंट आपको करने को किसने बोला, कौन सा क्वेश्चन कर रही थी आप? नहीं सर, मैंने वो टीएस अग्रवाल खोली थी ना तो स्टार्टिंग में ये। अरे ओ कन्या कन्या, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये देख स्क्रीन देख पा रही हो, ठीक है, देख पा रही हो ना स्क्रीन? हाँ. तो स्क्रीन में ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडरवैल्यूड वगैरह दे रखा, नहीं दे रखा? यस सर।
काहे प्रॉब्लम ले रही है यार, ठीक है, सर सब कुछ वो सब कुछ, देखनी पड़ रही थी तब समझ कोई में। बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक है बच्चे, अभी एक काम करो कि जैसे आपने करा, अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन दो चीजें, मतलब ये ना, एक बार पहले भी एक बच्चे ने मुझे एनपीओ में बोला था, एंड एंड आई वांट टू कोट दिस दोस्तों, एनपीओ में एक बच्चे ने कहा कि सर, मतलब आई वॉज मिडवे इन द चैप्टर, और एक बच्चे ने कहा कि सर हम, मैं ना स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन कर नहीं पा रहा एनपीओ के। तो मैंने कहा यार एनपीओ के बाद चैप्टर तो खत्म होने दो, ठीक है। तो माय पॉइंट इज कि अभी एनपीओ में और फंडामेंटल्स में, वो मैंने पूरा पूरी बुक खत्म करवा दी, ठीक है। उसमें अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, लेकिन एक बार जब चैप्टर खत्म हो, अभी मैं आपको जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना कि यार ये क्वेश्चन करो, ठीक है, तो सिर्फ फिलहाल के लिए काम करो, वही क्वेश्चन कर लो, बस टेंशन फ्री रहो ना यार, काहे टेंशन ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद एक बार जब खत्म हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं बस यही चीज, और ये सिर्फ नैन्सी के लिए नहीं है, ये चीज ओवरऑल सबके लिए, मैं समझता हूँ ये वाली चीज होती है जनरली, लेकिन सब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ यार कि पढ़ लो यार अच्छे से, ठीक है, मतलब वही घर वालों के बीच में, मुझे लगा कि नैन्सी जो कह रही है कि सर सही कह रहे हो, मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझे लगा ऐसा कुछ बोलने वाली है और नैन्सी अपने तजुर्बे शेयर करने वाली है, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस चीज को समझे दोस्तों कि प्रैक्टिस करो बहुत, और मैं ना, मुझे मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा आपके ऊपर, ठीक है। मैं ये सब काम नहीं करने वाला कि बेटा मुझे सारे के सारे क्वेश्चन सेंड करो कि आपने किए हैं कि नहीं किए, मतलब कोई लाइफ नहीं है क्या मेरी, ठीक है, मतलब यही काम काम ही काम करता रहूंगा पूरे दिन, आपको करवा रहा हूँ, आप असाइनमेंट्स और बहुत सारे काम और है बेटा, ठीक है, और सब कुछ आप ही के डेवलपमेंट के लिए, सब कुछ आप ही के लिए, ये जो इतनी बड़ी बुक मैंने बनाई है, ठीक है, ये क्या ऐसी हवा हवा में बन गई क्या, बना के देखो बुक भैया, जिंदगी ना निकल जाए तुम्हारी, ठीक है। उस चीज को समझो कि मतलब अब मैं ना वो डंडे वाली पढ़ाई में ना करवा सकता हूँ ना मैं करवाऊंगा, ठीक है, कि हाँ भैया मास्टर ने डंडा डाल, मतलब मार रखा सर के, बच्चे के सर पे, तभी बच्चा कर रहा है, ये ऐसी पढ़ाई ना आप 4 दिन में भूल भी जाओगे, एज क्लीन एज दैट। तो प्लीज दोस्तों अच्छे से, मतलब स्टाइलिश तरीके से करो, ठीक है, मुझे आज वाला चैप्टर खत्म करवाना है, मेरे पास आधा घंटा है, मैं करवा भी दूंगा, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद एक अगले 2-3 पॉइंट्स है मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा यार, एक बात समझते हैं जरा, क्या मैं, ध्यान से सुनना और दिमाग खोल के समझना, ठीक है, एक बात बताइए, क्या मैं रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करता हूं तब जाके प्रॉफिट आता है, एक बार हाँ या ना में जवाब। ठीक है, ठीक है यार, एक बात बताओ, अगर पार्टनर हमारे पास ना होता तो क्या उसके जगह मुझे एक एम्प्लॉय को हायर करना पड़ता? अरे रिया, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करते तो प्रॉफिट आता है बेटा, ठीक है। अच्छा सुनो, अगर मेरे पास पार्टनर ना होता तो मुझे, मेरे पास एक एम्प्लॉय होता? हाँ, अरे हाँ तो बोलो यार, यस और नो तो बोलो, पार्टनर ना होता तो मेरे पास एक एम्प्लॉय होता, हाँ। तो एक बात बताइए, जो मैं, ये जो गुडविल हम लोग निकालते हैं, ये हम लोग फर्म की निकालते हैं या पार्टनर्स की निकालते हैं? ये जो गुडविल हम लोग निकालते हैं, ये हम लोग फर्म की निकालते हैं या पार्टनर्स की निकालते हैं? फर्म की निकालते हैं ना। तो अगर मैं पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन पे कर रहा हूं तो क्या वो इसमें से माइनस होना चाहिए, मतलब रेवेन्यू में से माइनस होना चाहिए क्या? Yes or no? अगर मैं पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन पे कर रहा हूं तो क्या वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना चाहिए? Yes or no? अब कई बच्चे उस वाले जंग में होंगे यार, अप्रोप्रिएशन है, चार्ज है, वो मैं उन जंग में नहीं पढ़ना चाहता। प्रिया यार इतना क्यों एक्सप्लेन किया मैंने? प्रिया ध्यान से समझेगा, क्यों माइनस नहीं होगा बेटा, मेरा सवाल है क्यों माइनस नहीं होगा? क्या फर्म पार्टनर को पे करता है? Yes or no? करता है, करती है, जो भी होता है फर्म करता है ना, तो ये पार्टनर को जो भी पे कर रहा है क्या वो फर्म के लिए खर्चा है, हाँ के ना? अब आप अप्रोप्रिएशन और खर्चे के बीच की लड़ाइयों में मत फंसना, ठीक है, हाँ बस खत्म, यही आंसर था बेटा, ठीक है एवरीवन। अब थोड़ा ना मेच्योरली, मतलब ये ना वर्ड्स के बेसिस पे मत लड़ना कि हाँ सर आपने चार्ज यूज करा अप्रोप्रिएशन, खर्चा है खर्चा, खत्म है, ठीक है। तो यही मेरा अगला पॉइंट है, अगर मुझे बुक प्रॉफिट दे रखा है और अगर मुझे रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स दे रखा है तो क्या मैं उस रेम्यूनरेशन को बुक प्रॉफिट में से माइनस करूंगा? यस और नो?
दोस्तों एक आखिरी बार यस बोल दो, उसके बाद बढ़ते हैं कि क्या माइनस करूंगा इस रेम्यूनरेशन को, बुक प्रॉफिट में से माइनस करूंगा, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है 2017 18 और 19 के आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन दे रखा है, अगला वाला एबनॉर्मल लॉस दे रखा है, एक्सक्लूडिंग 40,000 पेबल इंश्योरेंस, ये सब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा आपको कैलकुलेट। अच्छा इसमें एक और जबरदस्त पॉइंट है, ठीक है। अरे यार रिया वो अमन का है बे, करते हैं बात उससे, कैलकुलेट द वैल्यू। चलो कोई बात नहीं रिया, अभी फोकस कर लो, उसके बाद जवाब दे दियो, क्वेश्चन करवाऊंगा तब, ठीक है। डीके मतलब डीके से तो कुछ और ही दिमाग में आ रहा है मेरे, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता। अच्छा डोंट नो, ओके। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 इयर्स, टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आपको 55 लाख और 7 लाख का दे रखा है, नॉर्मल एनआरआर आपको 12% दे रखा है, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर 50,000 दे रखा है, तो क्या आप हर साल में से ये वाले एडजस्टमेंट तो करोगे, साथ में क्या आप 50,000 माइनस करोगे, यस और नो? क्या आप हर साल में से 50 50 50 माइनस करेंगे, यस और नो? खुद सोच के देखिए दोस्तों, दैट इज द पॉइंट, ठीक है, दैट इज द पॉइंट। कोई दिक्कत, आई बिलीव कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आई बिलीव कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है आपका, करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सब कुछ हो जाएगा, एक क्वेश्चन है जो मुझे आपको दिखाना, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, विल डू दिस क्वेश्चन राइट नाउ इन द क्लास, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सबसे पहले मैं अगर मुश्किल होता तो वो मैं आपको बता देता कि यार ये वाला मुश्किल है, ठीक है, जेन्युइनली नहीं है। अभी 9 से पहले एक मिनट, 8th क्वेश्चन दिखा मुझे, द कैपिटल्स ऑफ अन्नू एंड बीना आपको दे रखा है 1,00,000 रुपए, मार्केट रेट आपको दे रखा है 15%। अब मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं, अगर आप, मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप अपना दिमाग खोले कि हिंट्स के बेसिस पे आप पूरा क्वेश्चन करें। करवाने के लिए हर क्वेश्चन में करवा दूं, लेकिन दोस्तों उससे कोई डेवलपमेंट नहीं है ना आपकी ना मेरी। एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर इज 6,000 ईच, क्या आप ये एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, यस और नो? जल्दी बताएं दोस्त, क्या आप इसे एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, यस और नो? यप करेंगे, ठीक है। अच्छा कितना माइनस करोगे, हर साल के प्रॉफिट में से कितना माइनस करोगे, 12,000 क्योंकि यहां पर दे रखा है 6,000 ईच। ऊपर वाले में आप 50,000 ही करोगे क्योंकि पार्टनर ईच वगैरह नहीं दे रखा, लेकिन नीचे वाले में से आप 12,000 माइनस करेंगे, ठीक है दोस्तों, ओके जी। गुडविल बी वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना, मैं आपको कुछ नहीं बता रहा। अच्छा चलो एक चीज मैं आपको जरा आपसे मैं पूछ लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, आइए क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं, सुनो 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 मेरी बात सुनो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन गायब हो गया यार, पता नहीं कौन गया, कोई बात नहीं, सुनिए जरा। आपको दे रखा है फर्म के पास एसेट्स है 75,000 के, जिसके अंदर 5,000 का कैश है। इस फर्म के पास कितने के एसेट्स हैं, जल्दी बताइए दोस्तों, इस फर्म के पास कितने के एसेट्स हैं? 75 के एसेट्स है जिसमें 5,000 का कैश है, फर्म के पास कितने के एसेट्स हैं? वेरी गुड आंसर, 75, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द पार्टनर्स कैपिटल शोज अ बैलेंस ऑफ 60,000 और रिजर्व्स कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट, रिजर्व्स कितने हैं? एग्जैक्टली रिया, रिजर्व्स कितने हैं? रिया भरद्वाज भाई, ठीक है, जल्दी बताइए रिजर्व्स की वैल्यू कितनी है? 15,000, परफेक्ट, अरे बोलो ना बाकी सब, 15,000, ठीक है। क्या आप मुझे इस बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड बता सकते हैं, इस बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड? फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी बताइए व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड? अबे बताओ बे, ये तो उसी दिन वाला हो रहा है कि तुम लोग रिप्लाई करना बंद कर दिया सडनली। व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड?
गलत जवाब दे दोगे तो पीटूंगा थोड़ी यार, तुम लोग डरते इतना हो। गलती से क्यों डरते हो भाई, गलती हो गई हो गई। व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों? अभी तक किसी का भी जवाब नहीं आया। व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड? 51,000 नैन्सी, ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड? यहां से लेकर यहां तक में आपको मिल जाएगा, इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 51,000, 13वां साल चल रहा है दोस्तों मेरे पढ़ाने का, ठीक है, और आज तक मुझे 51,000 आंसर कभी नहीं आया, मिला। आई डोंट नो हाउ 51, हाँ पता है मुझे नैन्सी गलत है, दैट्स व्हाट आई वाज फिगरिंग आउट। हंस रही है, ठीक है। रिया भरद्वाज आपका थोड़ा बहुत मिस हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, देख लो जरा। हाँ जी, कोई बच्चा कुछ कह ही नहीं रहा। भाइयों कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला बता सकते हो? एसेट माइनस लाइबिलिटी, यस नो में तो जवाब दे सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लाइबिलिटी, नैन्सी गलत जवाब, यस और नो? कोई बात नहीं रिया, मिस हुआ कोई बात नहीं, देख लो जरा, ठीक है। क्वेश्चन में एसेट्स कितने हैं, ऐसे पूछ लेते, क्वेश्चन में एसेट्स कितने हैं? अबे क्वेश्चन में एसेट्स कितने हैं, गुस्सा दिलवा रहे हो, 75। क्वेश्चन में लाइबिलिटीज कितनी है, ये गेम पूरा, 75 तो सबको पता है, क्वेश्चन में लाइबिलिटी कितनी है? राशि करिए 15, ओके 60,000, ओके नैन्सी, नाइस नाइस, और 60,000। अच्छा एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, 60,000 एसेट्स, 20 रुपए 20 है, कैपिटल 15, लाइबिलिटीज 5, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में एसेट्स कितने हैं तो क्या जवाब दोगे? इस क्वेश्चन में एसेट्स कितने हैं, ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन अभी रखा है, इस क्वेश्चन में एसेट्स कितने हैं, इस क्वेश्चन में लाइबिलिटीज कितनी है, इस क्वेश्चन में लाइबिलिटीज कितनी है, 5, ठीक है। मतलब व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट लाइबिलिटीज, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ओनली, राइट, दिस इज द पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो भाई ये जो बच्चा जो 60 बोल रहा था वो पागल वागल हो गया क्या? पार्टनर्स कैपिटल शोज अ बैलेंस ऑफ 60,000, भाई पार्टनर्स कैपिटल को तुम लाइबिलिटी मानोगे, पागल वागल हो रखे हो, है भाई? अभी तो दोपहर चल रहा है यार, दोपहर को ही तुम लोग हैं भाई, मतलब सस्ते नशे करके बैठ गए, समझ रहे हो मेरी बात? क्या 60,000 कैन एवर बी अ लाइबिलिटी? कैपिटल का पैसा है भाई, यही तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसको तुमने लाइबिलिटी बना दी, काम खत्म। अच्छा राशि ने बोला था रिजर्व, क्या रिजर्व लाइबिलिटी होती है, यस और नो? क्या रिजर्व एक लाइबिलिटी होती है, यस और नो? या रिजर्व नहीं होती दोस्तों, रिजर्व भी मालिक का पैसा होता है, ये मैंने आपको फंडामेंटल्स में मैंने आपको बताया था, रिजर्व वो वाला पैसा होता है जो मालिक जोड़कर अपने पास रखता है। इस क्वेश्चन में कोई लाइबिलिटी ही नहीं है दोस्तों, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड 75,000 ही आएगा। रिया भरद्वाज अगर आपने इस एक्सप्लेनेशन को भी समझ लिया ना, तो भी बस यही बताया इतनी देर में बेटा बस मैंने, ठीक है। इज इट क्लियर दोस्तों? कितने बच्चे कह रहे हैं ईएक्सपी, एक बार सर एक्सप्लेन कर दो ईएक्सपी वंस अगेन, मैं कर दूंगा बहुत प्यार से, मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा ईएक्सपी। बताइए दोस्तों कितने बच्चे कह रहे भाई एक्सप्लेन कर दे इसको, रिया मजाक मत कर यार, सीरियसली भाई, कैपिटल कैपिटल है, रिजर्व मालिक का पैसा है, इस क्वेश्चन में कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब मैं और क्या एक्सप्लेन करूं, इस क्वेश्चन में कोई लाइबिलिटी ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन में लाइबिलिटी जीरो है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास 75,000 आ गया, ठीक है बच्चे। अभी दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में एनआरआर दे रखा है मुझे 20%, गुडविल दे रखी है 24,000 रुपए, 4 इज द नंबर ऑफ इयर्स परचेज, आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है दोस्तों। ये रहा आपका सवाल, मैं कुछ नहीं बता रहा,
जल्दी से गुडविल की वैल्यू जल्दी बताइए दोस्तों। गुडविल की वैल्यू जल्दी से बताएं दोस्तों। राशि जो भी गट फीलिंग कहती है ना बेटा उसे कर दिया करो, ठीक है। मतलब मेरे साथ तो ये फैक्ट है, मैं बच्चों से कभी भी अनाप शनाप क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछता, मैं उनसे सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं राशि, होता है जिंदगी में ऐसा। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों जल्दी से। यार आज पानी वानी कहाँ है, ये रहा। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लॉलीपॉप। गलत जवाब नैन्सी। नैन्सी आज आप बहुत दिन बाद आंसर्स दे रही हैं, मतलब वैसे आप देते हो बट स्टिल बहुत ज्यादा, जो जैसा आप 11th में दिया करते थे अच्छा लग रहा है, लेकिन आई बिलीव आज आप ना थोड़ी जल्दबाजी में आंसर दे रहे हो। शायद ये वाला चैप्टर आपके यूटी वगैरह में आ रखा है और आपने इसको पढ़ा, इसलिए आप थोड़ी सी एक्साइटेड हैं और आप जल्दबाजी में कर रही हैं क्वेश्चन आज, ये मेरा एनालिसिस है बेटा। अच्छा नहीं है ऐसा, मतलब क्योंकि आपने आज तक कभी भी 3-4 गलत जवाब नहीं दिए, लेकिन आज की क्लास में आपके 3-4 गलत जवाब हो गए, इसलिए बस अपना एनालिसिस मैं आपके सामने दे रहा था, ठीक है। आप थोड़ी सी जल्दबाजी कर रही हैं, फोकस करो, ठीक है। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटा, फोकस करो, ठीक है। अरे सॉरी क्यों बोल रही है बेटा, मेरा काम है आपको बताना, ठीक है, प्लीज डोंट बी सॉरी। राशि गलत जवाब, राशि सही जवाब। जल्दी करिए दोस्तों, शाबाश। जब मैं करूंगा आपको पता चलेगा कि यार इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। नवीन, भविक, भूमि, क्रिस, चल रहा है भाई लोगों काम। ऋषभ, सक्षम, तुषार, बेटा चल रहा है काम आज या फिर बस ऐसे ही बैठे हुए हो? अनन्या ने 2 दिन रिप्लाई करे बहुत, आज अनन्या दोबारा शांत हो गई। प्रिया सही जो सही जवाब प्रिया। ओके जल्दी 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 एडी सही जवाब। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी करो। ओके एक बार जरा मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। गुडविल 24,000 दे रखा है, 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ना, तो आपको क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन है, गुडविल है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस। 21,000 सही जवाब है प्रसन्नजीत। गुडविल इज आपको 24,000 दे रखा है, सुपर प्रॉफिट इनटू 4, तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ गई है मेरे पास 6,000 रुपीज, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपका सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपको दे रखा है 6,000, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड बताया था 75,000, एनआरआर दे रखा है मुझे 20%, ये होता है 15,000, तो 60 इज इक्वल टू एपी माइनस 15, एपी वुड बी 75,000। आहा सॉरी, ये क्या कर दिया, ये 6,000 है ना, 15,000 6,000 प्लस हो जाएगा तो 21,000, सॉरी 21,000। बताइए दोस्तों, बहुत ज्यादा मुश्किल था बच्चों वाला तो क्वेश्चन है, ठीक है बेटा एवरीबॉडी ओके तो बोल दो। यप चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। ये जो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि हर क्लास में ऐसा होगा कि जो मुश्किल वाले टॉपिक्स हैं वो भी एक क्लास में प्रिसाइज मतलब बताऊंगा आपको, वो अगली क्लास में मैं आपको इसके मुश्किल क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। आज मैं आपको कैपिटलाइजेशन मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से समझना।
दोस्तों एक मेथड है मेरे पास, कैपिटलाइजेशन, जो सबसे ज्यादा मजेदार मेथड है, और मेरी बात सुनिएगा ध्यान से समझना यार। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, और फिर से कॉमन सेंस की तरफ जाना और रटना मत, क्योंकि रटोगे तो बेटा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि रटी हुई चीज में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा दोस्त, ठीक है? रटना मत, कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस, ठीक है? यार एक बात बताओ, मैं एक साल में 1 लाख कमाता हूं और मुझे सबके जवाब चाहिए, और मैं एक ऐसे बिजनेस में हूं जिसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एनपीओ में भी हुआ था वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? मैं एवरेज प्रॉफिट कमाता हूं 1 लाख रुपए, और मैं एक ऐसे बिजनेस में हूं जिसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, आपके हिसाब से मैंने बिजनेस में कितने लगा रखे हैं बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से मैंने बिजनेस में कितने रुपए लगा रखे हैं? 1 मिनट रुको, कोई आंसर नहीं करेगा, ठीक है? आपके हिसाब से मैंने बिजनेस, एक बार सुन लीजिए जरा, एक एवरेज प्रॉफिट है मेरे पास 1 लाख रुपए, मैं एक साल में 1 लाख रुपए कमा लेता हूं, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, मैं एक साल में बिजनेस में 1 लाख रुपए कमा लेता हूं, और मैं ऐसे इंडस्ट्री में हूं जिसमें एनआरआर 10% है, मतलब जनरल इंसान 10% के हिसाब से कमाता है, तो आपके हिसाब से मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी है? सवाल है मेरा कि आपके हिसाब से मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी है? कोई रिप्लाई नहीं करेगा दोस्तों, अभी कोई आंसर नहीं बताएगा, ठीक है? नैन्सी शार्ट ऑफ डिस्कनेक्ट हो गई थी, आई जस्ट रिपीटेड द क्वेश्चन अगेन, मैं एवरेज प्रॉफिट कमाता हूं 1 लाख रुपए, और मैं एक ऐसे इंडस्ट्री में जिसका रिटर्न आता है 10% के हिसाब से, आपके हिसाब से मैंने इस बिजनेस में कितने रुपए लगा रखे, मतलब आपके हिसाब से मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी है? कोई रिप्लाई नहीं करेगा दोस्तों, कोई रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है? सोच लिया, मुझे डीएम कर दीजिए जरा प्लीज, कोई मुझे वैसे मैसेज नहीं करेगा, प्लीज आप लोग मुझे डीएम करिए जरा, रिप्लाईज जो आप करते हो मुझे डीएम करिए, जिसको करना है कि आपके हिसाब से मेरे बिजनेस की वैल्यू क्या है, मुझे डीएम करिए यहाँ पर, इंस्टा में जाके मत करना, यहाँ पर मुझे डीएम करिए दोस्तों। वेरी गुड ऋषभ, नाइस आंसर बेटा, शाबाश। प्रिया एकदम सही जवाब, आपके हिसाब से मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी है? रिया भरद्वाज एकदम सही जवाब, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बच्चों, शाबाश, आई एम वेरी इंप्रेस्ड राइट नाउ। That's it. सर ये 3 बच्चे हैं बस, ऋषभ, प्रिया एंड रिया भरद्वाज, नो वन एल्स। आपके हिसाब से मैंने बिजनेस में कितने रुपए लगा रखे हैं? दिस इज माई क्वेश्चन। मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं, मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में हूं जिसमें एक नॉर्मली एक इंसान 10% कमाता है, एडी सही जवाब, आपके हिसाब से मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी है दोस्तों? आपके हिसाब से मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी है दोस्तों? रिया खन्ना का कुछ भी मिस नहीं हुआ, मैं बस यही क्वेश्चन इतनी देर से रिपीट करे जा रहा हूं बेटा। कृषिका सही जवाब, कृषिका, क्रिस जवाब नहीं आया यार, राशि अब तक जवाब नहीं आया बेटा, वीडियो नहीं दिख रही है बेटा, तो आप रिकनेक्ट करिए, मैं बताओ क्या करूं, बताओ, मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक है यहाँ पर, आप एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए। वेटिंग दोस्तों, मतलब अभी तक 5 बच्चों ने जवाब दिया, वेरी इंप्रेसिव। आपके हिसाब से मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी है दोस्तों? अनाउंस कर दिया था, आपके हिसाब से टेस्ट। एनीवे, जितने बच्चों ने जवाब दिया सब बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया, एंड द आंसर इज 10 लाख रुपए, एंड द आंसर इज 10 लाख रुपए। कई बच्चे मुझे 10,000 कहते हैं, वो बिल्कुल ही गलत जवाब है, और ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को एनपीओ में भी बताया, ठीक है दोस्तों? खुद सोच के देखिए कि मैं कमाता हूं 1 लाख रुपए, और मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में हूं जो 10% कमाता है, इसे हम कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, कि फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है, मतलब मार्केट में फर्म की वैल्यू कितनी है, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, दैट इज 1 लाख अपॉन 10% इज इक्वल टू 10 लाख रुपए। किसी को कुछ पूछना है? जिन बच्चों ने सही जवाब दिया था वो कुछ मत बोलिए, जिन बच्चों ने जवाब नहीं दिया था, नैन्सी कुछ पूछना है, और उसके अलावा और कौन है जिसने जवाब दिया? सक्षम, तुषार, राशि, कुछ पूछना है कि ये क्या है?
अच्छा आपका यही था, आपने लेकिन बोला नहीं था ना, तो इसलिए मुझे पता नहीं। हाँ राशि को समझ, ठीक है नैन्सी को समझ आ, बाकी सब आई बिलीव सक्षम तुषार, आप रिप्लाई भी नहीं कर रहे भाई यार। अच्छा हैंग हो गया था, कोई बात नहीं बेटा, आई बिलीव इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके हिसाब। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से तो देखो CUF, CVF बेटा, CVF कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। लेकिन मुझे पता है मैंने बिजनेस में 8 लाख रुपए लगाए हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने बिजनेस में 8 लाख रुपए लगाए, ठीक है। तो सुनो तुम्हें, तुम्हारे हिसाब से मेरी वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ तुम्हारे हिसाब से मेरी वैल्यू कितनी है, तुम्हारे नजर में मेरी वैल्यू कितनी है, जल्दी बताइए दोस्तों। एक क्वेश्चन देना फिर आज की क्लास वाइंड अप करनी है। तुम्हारे हिसाब से मेरी वैल्यू 10 लाख, और मुझे पता है कि मेरी वैल्यू असल में कितनी है, और मुझे पता है मेरी वैल्यू असल में कितनी है दोस्तों, 8 लाख। तो यार 2 लाख का ऐसा क्या है जो तुम्हें दिख रहा है मेरे अंदर लेकिन मुझे अपने अंदर नहीं दिख रहा दोस्तों, 2 लाख का ऐसा क्या है जो तुम्हें मेरे अंदर दिख रहा है लेकिन मुझे अपने अंदर नहीं दिख रहा। कैन आई हैव सम आंसर्स प्लीज। 2 लाख का ऑब्वियसली गुडविल, ये हमारा गुडविल है, एंड दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 तरीके होते हैं, मैंने आपको एक बताया, एक मैं आपको अगली तरीके क्लास में बताऊंगा, बट स्टिल उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत बेसिक सा है। एवरेज प्रॉफिट आपने कमाया है 60,000, एसेट्स हैं आप, एनआरआर है आपके पास 10%, एसेट्स हैं आपके पास 7 लाख के, और लाइबिलिटीज हैं आपके पास 2,50,000 के, ठीक है। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल दोस्तों। एवरेज प्रॉफिट 60,000, एनआरआर 10%, एसेट 7 लाख, लाइबिलिटीज 2,50,000, कैन यू प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ गुडविल भाई और बहनों। खुद करोगे, जितने क्वेश्चन खुद करोगे उतना समझ आएगा दोस्तों, जल्दी करिए। अगली क्लास में चैप्टर खत्म करना है मुझे। 1.5 लाख, 6, 4.5, 7, 4.5, 5, ठीक है राशि, सही जवाब। आसान सा है दोस्तों, बहुत आसान है, आसान चीजों को जल्दी खत्म करो, खत्म बात, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। अरे कहाँ गए भाई बाकी सब, स्क्रीन चला के सो गए? ना ना ना, क्लास नहीं है बेटा, सिर्फ टेस्ट है। एडी सही जवाब, प्रसन्न जी वो प्रिया, बहुत गलत जवाब बेटा, बहुत ज्यादा गलत जवाब, अब ड्रास्टिकली कहीं और ही चले गए प्रिया। क्रिस, प्रसन्नजीत, नैन्सी, एकदम सही जवाब। एक बार बस वैसे बता देता हूँ, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है मुझे 60,000 अपॉन एनआरआर दे रखा है 10%, तो इसको आप करोगे ये आएगा, इसको आपको कैलकुलेट करना आता है ना, 60,000 अपॉन 10 × 100 ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये मेरे पास आ गया 6 लाख। एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करूंगा, 4,50,000 का मेरा वो है कैपिटल एम्प्लॉयड, 4.5 लाख में माइनस करूंगा गुडविल की वैल्यू आ गई 1.5 लाख। बहुत ही मुश्किल था क्या? ओके जी आगे बढ़ते हैं। सुनो सुनो सुनो, सबसे पहली बात क्या बताओ, फ्राइडे को क्लास है, जल्दी बताओ, आखिरी का 1 मिनट, क्या फ्राइडे क्लास है? नहीं, क्योंकि फ्राइडे को क्या है, क्योंकि फ्राइडे को क्या है, टेस्ट है। टेस्ट कितने बजे है? 8 PM, ठीक है 8 PM, और टेस्ट के अंदर MCQs भी हैं और फंडामेंटल्स, बहुत मजेदार टेस्ट बनाऊंगा मैं, ठीक है दोस्तों। और कृषिका आप ऑब्वियसली बात है टेस्ट नहीं देंगी, एक बार मुझे व्हाट्सएप वो डाउट नंबर पे एक बार जरा मुझसे बात कर लेना, ठीक है बेटा। सो दैट्स इट दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, अगली क्लास में मिलते हैं, जय हिंद, ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए, बाय दोस्तों, टेक केयर।